जल्दी गजब का गाना है। आपने प्रॉमिस किया था। स्टोरी बता दे। मैं डर गई। धैर्य को बुलाऊं? मिलता हूँ आपको एक दो दिन में। चीकू आ गए और राजा रानी भी आ गए। तू मत आ, तू वहीं रह। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्यों? क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 1 और हम लोग कर रहे हैं पैकिंग, क्योंकि हमें सुबह निकलना है मुंबई के लिए। और मुंबई क्यों जाना है वो बताएंगे आपको अरमान जी। तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। मुंबई में है एक जबरदस्त इवेंट, उसके लिए हमारी पूरी फैमिली को इन्वाइट किया गया है। तो कल 12 बजे की हमारी फ्लाइट है, 2:30 बजे हम पहुँच जाएंगे और 5 बजे हमें पहुँचना है वहाँ पर जहाँ पर हम इन्वाइट। गोलू क्या ढूंढ रहे हो? हम लोग कपड़े ढूंढ रहे हैं, कपड़े नहीं है। क्या बात कर दी यार, कपड़े तो बहुत सारे हैं पर टाइम पे कुछ नहीं मिलता। हम लोग क्या करते हैं, हम सारे कपड़े लपेट के रख देते हैं कि जब कोई टाइम आएगा ना तब पहनेंगे। जब टाइम आते हैं तो अचानक से आते हैं, फिर हमें याद नहीं रहता कहाँ कपड़े रखे हैं। हर किसी के साथ ना ऐसा ही होता है, जब उसको कहीं जाना होता है ना तो अगर नए कपड़े भी होते ना घर में तो उसको लगता है नहीं नहीं यार ये नहीं पहनना, कुछ और पहनना है। और वहाँ पर हमारे भाई भी हैं जिनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, वो मैं आपको वहीं जाके मिलवाने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पर चल रही है एडिटिंग जो हमारे अनुज भाई कर रहे हैं और धीरज भाई वेट कर रहे हैं कब ये व्लॉग दे, कब मैं सोऊं, कब मैं टाइम सेट करूं सुबह व्लॉग टाइम पे आ जाए, है ना। तो गाइस एक खुशखबरी तो मैं आपको देना भूल ही गया। तो भैया क्या है खुशखबरी बताओ? खुशखबरी है, गुड न्यूज है। तो गाइस कमी सॉन्ग आ गया है, बायो में लिंक है, जल्दी जाओ देखो और बताओ और कमेंट करना मत भूलना कि आपको कौन सा पार्ट कैसा लगा। और पूरी डायरेक्शन और पूरी स्क्रिप्ट तुम्हारे भाई ने की है, बहुत मेहनत लगी है। और बाकी अनुज भाई कुछ बताना चाहेंगे। एडिट हमने किया है तो मुझे तो चीकू का पार्ट बहुत ज्यादा बेस्ट लगा है, जो भी देखेगा अच्छा ही लगेगा उसमें। बाकी तो आप कमेंट करते हैं। देखो मोस्ट ऑफ कमेंट्स जो आएंगे वो चीकू के लिए आएंगे, क्योंकि हमें एक्टिंग करते हुए देखा है लोगों ने, लेकिन चीकू को इतनी बड़ी एक्टिंग करते हुए पहली बार देखा। तो गाइस बहुत सारा प्यार देना इस गाने को। तो जल्दी से जाइए, बायो में लिंक है, नंबर 1 रिकॉर्ड पे जाके चेक कीजिए या फिर आप डाल सकते हो अरमान मलिक न्यू सॉन्ग, आपको मिल जाएगा। गजब का गाना है, दिल खुश हो जाएगा, मजा आने वाला है, बहुत तगड़ा। तो गाइस हमें सॉन्ग के लिए ना बहुत मेहनत करी है, मतलब एक दिन एक शूट हुआ था, अगले दिन एक शूट हुआ था, और सबसे ज्यादा मेहनत करी है ना चीकू ने करी है। मतलब सीरियसली आप लोग इस गाने को बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारा प्यार देना, जितना हो सके गाने को शेयर करें और नंबर 1 रिकॉर्ड्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस गाने में ना चीकू के पापा की भी आपको डिफरेंस पता लग जाएगा, मतलब आधा शूट पहले हुआ था, आधा शूट बाद में हुआ था, तब भी वेट वो रिड्यूस कर रहे थे गाने के लिए। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि जब ये गाना शूट हो रहा था ना, हमारा एक बार शूट भी पूरा कैंसिल हो गया था। यही वाला वो शूट था जो हमारा कैंसिल हो गया था, क्योंकि ना हमारे डिजाइनर थे उनसे थोड़ी सी हमारी कहा सुनी हो गई, उसके बाद हमारा पूरा शूट कैंसिल हो गया था। और एक बात आपको ना इसका बिहाइंड द शूट मिलने वाला है फैमिली फिटनेस पे, कि हमने ये गाना कैसे शूट किया, कितनी मेहनत लगी, किस टाइम हुआ, रात को हुआ, दिन को हुआ, वो भी जाके जरूर देखना फैमिली फिटनेस पे, आपको ये वाला व्लॉग भी जरूर मिलेगा। कितना टाइम लग जाएगा तुम्हें? हमें तो 1 घंटा लगेगा। हाँ आधा 1 घंटा। देखो पैकिंग करने में ना बहुत टाइम लगता है, हर चीज देखनी पड़ती है, ये भी लेके जाना है, वो भी लेके जाना है, फिर लड़कियों की तो बहुत सारी पैकिंग होती है, चप्पल, जूते, पर्स, मेकअप का सामान, इयररिंग्स, बहुत कुछ। तो गाइस अभी नितिन भाई से मेरी बात हुई थी, पापा खतरे से बाहर हैं, थैंक यू सो मच इतने अपनी दुआएं की, इतने कमेंट किए, तो बस आप लोगों का ही सहारा है, क्योंकि ना पैसे दौलत शोर से ज्यादा जरूरी होती है दुआएं जो आप हमें देते हैं, थैंक यू सो मच। आप ना अपने न्यू वाले शूज रखना, बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है? न्यू वाला सेट पहन के जाना जो आपने लिया था व्हाइट वाला, उसके बटन तो लगवाने थे वो, मैं सुबह, आप टेंशन मत लो, जाने से पहले लग जाएंगे, आपको लगे हुए मिलेंगे। और एक और चीज रुको, हम हमेशा भूल जाते हैं, इस बार नहीं भूलेंगे, ये हमारे पास हम सारे लगा के जाएंगे। 2 है हमारे, नहीं एक और है ना, 3 है, 2 तो इस बार खरीदे थे, 1 पहले का है। चलो ध्यान रखना आपकी बारे। हाँ रखे रखे हम। तो गाइस यहाँ पर हो रहा है ब्लॉग अपलोड। तो गाइस काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि हम लोगों ने डॉग्स को हैंडओवर नहीं दिया। एक्चुअली क्या हो गया था कि हमें इमरजेंसी पे आना पड़ा मुंबई, तो पुलकित भैया ने जो फैमिलीज हमने डिसाइड की थी 4 फैमिलीज, उनको उन्होंने टॉय पॉम दे दिए थे। एक काम करो आप अपनी पैकिंग बता दो क्या क्या रखना है। जो जो रखोगे ठीक ही रखोगे, फिर भी एक नॉलेज होनी चाहिए ना कि क्या रखना, क्योंकि हम लोग तो हमारी पैकिंग आधे घंटे में हो जाएगी, आप अपनी बता दो, सुबह सुबह फटाफट निकल लेंगे। तो अभी अभी हमारी टिकटें आ गई हैं और मैं क्या क्या लेके जाने वाला हूँ, मैं अभी की जो मैंने शॉपिंग की थी वो कपड़े लेके जाऊंगा और 2-4 पैंट शर्ट है वो लेके जाऊंगा। और एक काम करेंगे, एयरपोर्ट पे शॉपिंग करवा देना। शर्म नहीं आती बोली? नहीं करवा देना ना, आपने प्रॉमिस किया था। देखो आप हमें हर महीने एक अच्छे से जोड़ा लेके दोगे पूरा का पूरा, मतलब चप्पल भी और शूज भी सब कुछ। चलो देखता हूँ, ठीक है। इसमें माशाली पाजी ने इतना जबरदस्त गाया है, मतलब आप जब सुनोगे ना ये
गारंटी है कि आप गाने को 5 से 6 बारी देखोगे, सुनोगे और अपने रिश्तेदारों में जरूर शेयर करोगे। और आप ये बात बोलोगे कि भैया ये वाली फोटो भी दिखेगी, ये वाली फोटो तनुज भाई। भाई मैं ये कह रहा था कि जो उस गाने में एक सीन है ना जिसमें आप धक्का देते हो और एकदम भाभी की चोट लगती है और पूरा ब्लड निकल जाता है, मतलब वो इतना नेचुरल सीन है ना कि वो देख के आप देख लेना, कमेंट आएंगे आएंगे भाई, बहुत बढ़िया सीन है वो। स्टोरी बता दे मैंने कितनी देर में बना दी थी वाकई में। गाइस स्टोरी ना, मैंने जब गाना सुना था ना, अनुज बता देगा, आपने मीटिंग की थी माशा पाजी से, यहाँ पे गाना सुना था और ऐसे बैठे बैठे ही स्टोरी बन गई थी, मुश्किल से 7-8 मिनट का टाइम लगा। तो मतलब मुझे ना अपना स्टोरी पार्ट में ना अपने आप पे ना गर्व है कि मैं स्टोरी बहुत ही अच्छी बना सकता हूँ। बाकी तो देख के बता ही देंगे भाई, स्टोरी है ही वाकई में। हाँ, पर स्टोरी में एक कमी क्या है कि मैं एक जगह पे पतला हूँ जहाँ मैंने वेट कम किया, और एक जगह पे मोटा हूँ, वो आपको पता लग जाएगा कहाँ पे पतला हूँ और कहाँ पे मोटा हूँ। नहीं इसीलिए गाने का नाम कमी है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे हैं। बस सुबह के 7:30 बज गए तो निकलते हैं, रेडी वेडी हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें करनी है, थोड़े से कपड़े लेने, थोड़ा हुलिया ठीक करवाना है। तो ये लगा लो कि 10:30 बजे तक हमें एयरपोर्ट पे पहुँचना है। जय मो हाँ बेटी, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आ जाओ, हेलो कर दे जल्दी से, हेलो कर दे, हेलो कर दे मेरी जान। तो गाइस आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है ये देखो। देखने यार चिपकुन को देखने में डर गई। चिपकुन ये कहाँ से कहाँ चला गया? इसका घर तो इसका घर पायल इधर देखो जरा। मैं ना अभी इनकी शर्ट निकाल रही थी, ऊपर देख रही थी, ऐसे कर रही थी, डर गई। हाँ ये गर्मी लेने के लिए गए, मैं समझ गई। तो मैं सोच रहा हूँ मैं ये वाली कैपरी पहन लूँ और साथ में कोई कैप वैप पहन, कैप नहीं पहन, कैप तो मेरी रख ले वहीं पहन लूंगा, वैसे पहन के जाऊंगा नहीं। और एक मेरी ना वो रख ले शर्ट वर्ट रख दे जो मैं इसको पहन लूँ ना। तो गाइस यहाँ पर आ गया मेरा ऑमलेट, पायल गोलू की चाय। तो भैया कितनी देर लगेगी आपको? अभी बस स्लीपर्स रह गए आपके, तो दो ही जूते रख रही हो, ब्राउन वाले और एक ही व्हाइट वाले, ठीक है? तो ये वाले जूते मैं पहन के जाने वाला हूँ। क्या क्या रह गया? बस मेकअप हो गया, मेकअप हो गया सारा, चलो फटाफट। तो गाइस बाहर का जो मौसम है ना वो इतना ज्यादा जबरदस्त है, मतलब की चारों तरफ हवा और बारिश चल रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप मौसम देखिए, क्या जबरदस्त मौसम है चारों साइड। तो आज हमें एयरपोर्ट छोड़ने वाला कोई भी नहीं है क्योंकि नितिन और हुड्डा गए हैं चिकू लेके हरियाणा। कल रात को फोन आ गया नितिन भाई का, पापा की तबीयत ठीक है, बेटर है, और ऊपर वाले का कर्म है, आप लोगों की दुआएं हैं। और जो घर पे है जैसे कि अनुज हो गया, धीरज हो गया, इनको गाड़ी चलानी आती नहीं, मुझे आती है तो मैं साथ जा रहा हूं, मैं वहां गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता, तो हम जाएंगे ओला में। होटल में जाकर कर लियो ना मेकअप। नहीं गुड्डू फ्लाइट में अच्छा तो लगता है, मीरपुर पे जाएंगे ना। तू भी लगी हुई है क्या? हां थोड़ा बहुत मेकअप, बस 5 मिनट है। कैब बुक करनी है ना? कैब बुक कर लूं पहले? हां कर ले। धीरज को बुलाऊं, धैर्य को बुलाऊं? कुछ लेना भी पड़ेगा ना। हाँ, ये भी है। तो गाइस हमारे साथ दीपक भी जाने वाला, दीपक हो गया है फुल रेडी है दीपक। यस सर। तो गाइस यहाँ पर आ गया है मेरा सैलेड, ये खा के निकलूंगा मैं। क्या हुआ? हाँ इधर आओ, इधर बेटी क्या हुआ? बाय बाय, मिलता हूँ आपको एक दो दिन में, ठीक है? तो गाइस हमारा न्यू सॉन्ग आ गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा जल्दी से जाइए और नंबर 1 रिकॉर्ड्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हो गया सारा? हाँ जी हो गया। तो भैया नीचे आ गए, वो आ गए, बस धीरे नीचे आ गए। चलो जल्दी चलो। आ भाई आ दीपा, कितने लेट मत कर बेटे। ठीक है सागर, ध्यान रख। ठीक है शांति, ध्यान रखियो घर का। ओके बाय बाय। तो गाइस यहाँ पर आ गए हमारे धैर्य बच्चे और ये छोड़ने जा रहे हैं हमें एयरपोर्ट। तो गाइस आज मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मुझे व्लॉग एडिट करना है और मैं लेके आया हूँ चीकू का टैब और उसके अंदर जो स्लॉट लगा दे ना कार्ड रीडर या फिर चिप होती है उसको जो बोलते हैं, वो मैं लेने वाला हूँ 10 बजे, देखते कोई दुकान खुली है मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो गाइस ये वो चीज़ है जो मैं अभी लेके आऊँ, दोनों को ज्वाइंट करके इसके अंदर लगाएंगे। पर मैंने चेक भी किया वहाँ पे, वहाँ पे क्या है ना कि एक एक वीडियोज ही आ रहे हैं, इकट्ठा पूरी फाइल नहीं उठा के दे रहा। तो गाइस अभी नितिन की कॉल आई है, नितिन 2-4 मिनट में घर पहुंचने वाला है। तो पायल की कोई डिमांड है? चीकू आ गया ना गुड्डू, तो चीकू से मिलके ही जाएंगे ना, फिर हम एक दिन लगे दो दिन लगे पता नहीं ना, और वैसे भी कल से घर पे नहीं हूँ, मन नहीं लग रहा था। तो हम लोग यहाँ पे अभी रुके हैं और चीकू का वेट कर रहे हैं, चीकू है बस थोड़ी सी दूर हमसे। एक काम करूंगा कपड़े दिला दूं वहाँ से, चलो ट्राई कर लेते हैं। कुछ पसंद आया मैडम? नहीं ये तो पसंद नहीं आया गुड्डू, वो मुझे एक ही अच्छी लगी जो डमी ने पहनी है, आप वो दे दीजिए। तो हम भी देख रहे हैं भैया, हमारे लिए भी कुछ देख लो, अकेले अकेले अपने लिए देख रहे हैं, मेरे लिए भी देख ले कुछ। आपको हमारी देखी हुई चीज इतनी पसंद नहीं आती ना, तो आप हम तो खुद ये बोल रहे की आप ही हमारे लिए देख लो। तो छोटी लग रही है क्या? मेरे को छोटी लग रही है साइज में, एस साइज है ना, मेरे को चेक कर लियो ना क्या दिक्कत है। हां एक बार ट्राई कर ले। चीकू आ गए और राजा रानी भी आ गए, बाजार में मिलने। हम ड्रेस छोड़ दी हमने, बाद में लेंगे। तो गाइस सबकी हालत खराब है, ये उठने की हालत देख लो। पापा ठीक थे? हां
हाँ ठीक है। क्या ये रो रहा है? क्यों मुझे नहीं लेके जा रहे हैं? अभी आ जाऊंगा चिकू, शाम तक आ जाऊंगा शाम तक। और बेटा ठीक है? भैया आज पूल ले जाना है इसे, आज इसे पूरा घुमाना फिराना अच्छे से। चिकू नहीं, चिकू नहीं, गलत सड़क है। इधर आ जा, इधर इधर आ, सड़क उधर मत जा, सड़क है। तो गाइस नितिन बताएंगे पापा का क्या हाल है, क्या कंडीशन है। और मैंने इसको बोला था कि तू मत आ, तू वहीं रह। ठीक है अभी तो अभी आ गया, एक बार छुट्टी मिलेगी ना, तीन चार दिन बाद फिर वापस आया हूँ, अभी तो होश ही नहीं है। तो वापस तेरा यहाँ आना ठीक नहीं था ना नितिन? कोई बात नहीं, फिर अभी आप लोग भी नहीं थे तो वहाँ पे कौन कौन है? आ, मम्मी और है, मामा और है सारे। रात नींद नहीं आई क्योंकि चीकू के साथ में सुलाती हूँ, इसको भी नहीं आई क्योंकि मेरे हाथ सोया नहीं पूरी रात, थोड़ा देर सोया था बस। चलो मैं आता हूँ थोड़ा, ठीक है, ध्यान रखना जी मेरी शो। इसे भैया 24/7 से कुछ चीज दिला देना, पूल ले जाना ठीक है? तो भैया फाइनली लैपटॉप भी मिल गया जिससे मैं एडिटिंग कर पाऊंगा, ठीक है। बाय चीकू, ध्यान रखना भाई। बाय पापा। बाय बच्चा, तंग मत करना किसी को। मेरी बेटी, मेरी छोटी बेटी, मेरी गुड्डी, आ जा। चल एक पापी कर लूं, चल बाय बेटी। तो गाइस गाना आ गया है, बायो में लिंक है, जल्दी जाके देखो। तो बहुत ही जबरदस्त गाना है भैया, और बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग है चीकू की, बार बार बोला करो। नंबर वन रिकॉर्ड्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। पापा बाय बाय, लव यू चीकू। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं, अब इस वाले व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस।